भागलपुर अलीगंज कटघर के पास तीन अज्ञात व्यक्ति द्वारा ब्रहपुरा का रहने वाला टूटू चालक नौशाद अली खान, जो आवाद अली खान का पुत्र है, उसको उसका मोबाइल एवं 750 रुपए जबरदस्ती छीन लिया गया था। अनुसंधान के क्रम में अलीगंज ऊपर गंगती का रहने वाली अशोक महतो का पुत्र, नीरज युगली यादव का पुत्र सोनू और स्वर्गीय रूपम यादव का पुत्र शत्रुघ्न कुमार को पुलिस ने रंगे हाथों मोबाइल एवं 700 रुपए के साथ बरामद कर गिरफ्तार कर लिया। इस तीनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास वर्ग बवरगंज ओपी अंतर्गत नहीं पाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, ये जानकारी प्रेस वार्ता कर एएसपी शुभम आर्य ने दी। भागलपुर से बाल मुकुंद कुमार की रिपोर्ट, बीटी न्यूज। 9 बजे लगभग एक ऑटो चालक के साथ में लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसका मोबाइल छीन लिया गया था और उसके कुछ जितने पास के पैसे थे वो छीन लिए गए थे। इसमें हम त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने एक आदमी को तभी पकड़ लिया गया, उसके अलावा जितने बाकी दो लोग थे उन्हें कुछ ही घंटे में पकड़ लिया गया और जितना मोबाइल जो था और उसके अलावा जो पैसे थे वो भी बरामद कर लिए गए। इन लोगों का आपराधिक इतिहास जो है वो खंगाला जा रहा है और अगर जैसे ही आएगा तो हम सूचित कर देंगे। कुल 700 रुपये थे जो ऑटो चालक के पास में। तीन लोगों का नाम आया है सामने, एक का नाम है नीरज कुमार, दूसरे का नाम है सोनू यादव, दोनों ही अलीगंज गुमटी के हैं, और तीसरे का नाम है शत्रुघ्न कुमार, ये भी अलीगंज के ही रहने वाले हैं। आपराधिक इतिहास इनका हम खंगाल लें, आसपास के बाकी थानों से भी इनका आपराधिक इतिहास हम लेके जैसे ही निकलेगा तो सूचित कर देंगे। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, आईटीआई, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।